नीदरलैंड यूरोप से एक रितेश जी हैं, जिन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा वर्ण वर्ण संकर है, अर्थात इनके नाना नानी दादा दादी आदि की सबकी जाति भिन्न भिन्न है। इन्होंने लिखा है कि मैं विदेशी पैदा हुआ भारतीय हूं। सभी को नमस्कार कर रहे हैं। आगे इनका प्रश्न है, क्या मुझे हवन करने के नियम बता सकते हैं? मैं हवन के लिए अधिकारी हूं, क्या हम लोगों का वेदों में अधिकार है? क्या जिनका वेदों में अधिकार होता है वे ही हवन कर सकते हैं? तथा हमारे यहां वे कह रहे हैं कि हमारे यहां कोई भारतीय हैं जो अपने आप को सनातनी कहते हैं और वे कुछ कोर्स करा रहे हैं हवन कराने का, क्या मैं उनसे हवन पद्धति सीख लूं? यदि शास्त्र में ऐसा विधान हो तो मैं उनसे हवन की पद्धति सीख लेता हूं और मैं हवन करूंगा, क्या मैं कर सकता हूं? ऐसी इनकी जिज्ञासा है। देखिएगा, क्या ऐसे लोगों का हवन में अधिकार होता है जो अनुलोम या प्रतिलोम जो हों, विदेश में रहने लग जाएं, उनका क्या अधिकार है? पहली बात तो ये देखिए, क्या विदेश में अर्थात भारतवर्ष को पवित्र स्थल को छोड़ करके अन्यत्र कहीं हवन हो सकता है? तो कह रहे हैं, देखिए मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में 23वां श्लोक, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सगेयो यज्ञियो देशो मिलेक्ष देशस्त्वतः परः। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः, स्वभावतः स्वभाव से ही, स्वाभाविक स्थिति से, यदि कृष्ण सार मृग यानी कस्तूरी मृग जिस स्थल पर जिस भूमि पर विचरण करते हैं, ऐसे भारतवर्ष आदि को ही यज्ञीय देश कहा जाता है। सगेयो यज्ञियो देश, वो ही यज्ञीय देश है, और जहां ऐसा नहीं होता है इसके अलावा जो देश हैं वे मिलेक्ष देशस्त्वतः परः, अतः परः मिलेक्ष देश, वे समस्त मिलेक्ष देश हैं अर्थात अयज्ञीय देश हैं। यज्ञीय देश तो भारतवर्ष ही है। यदि कोई जबरदस्ती लेकर के लिख रहे हैं कि न तो बलादानीतः, अगर कोई बलात् जबरदस्ती बलपूर्वक कहीं कस्तूरी मृग को जाकर के ठहरा दे रुका दे तो वो भी क्या यज्ञ देश हो जाएगा? बोले नहीं नहीं, स्वभावतः न तो बलात् बलपूर्वक रखे गए किसी स्थल को वो यज्ञ नहीं बनावेंगे। तो ऐसा आचार्यों के द्वारा निर्णीत भारतवर्ष ही है जहां समस्त वैदिक यज्ञों के करने का विधान है। देवताओं को भी वेदों में वर्णित है, जब यज्ञ करना होता है तो वे भी आकर के इसी स्थल पर भारतवर्ष में ही यज्ञ आदि करते हैं। जब दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, तो प्रजापति दक्ष ने भी आकर के हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार में कनखल में आकर के यज्ञ किया था। महाराज बलि का तीनों लोकों पर राज्य था और उन्होंने यज्ञ किए तो कहां किए? नर्मदा जी के पावन तट पर किए। तो ये जो है यज्ञीय देश है, अन्यत्र वैदिक कर्मों का
संपादन करने का अधिकार नहीं है। ये तो देश विशेष की बात है। जो लोग यहां से जा जा करके और किसी विशेष लोभ के कारण, ख्याति या धन आदि के कारण विदेश में जा करके जो धर्म के प्रचार के नाम से जा करके वहां जो वैदिक कर्मों का कुछ संपादन कराते हैं, वो सब अशास्त्रीय है, अयज्ञीय देश है, किसी भी प्रकार की कोई आज्ञा नहीं है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। भगवान मनु की आज्ञा द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक में वे कह रहे हैं, एतद् देश प्रसूतस्य, ये जो भारतवर्ष के आर्यावर्त क्षेत्र में उत्पन्न ब्राह्मणों का ही ये परम कर्तव्य है कि स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको शिक्षा देने का अधिकार ये भारतवर्ष के आर्यावर्त क्षेत्र में उत्पन्न अग्रजन्मा ब्राह्मणों को ही मनु महाराज ने दिया है। कुछ लोग इस पद्य की व्याख्या करते समय वे कहते हैं कि जब भगवान मनु ने आज्ञा दे दी है पृथिव्यां सर्वमानवाः, पृथ्वी के समस्त मनुष्यों को, तो हम जाकर के शिक्षा दें। बोले नहीं, शिक्षा घर पर जाकर के नहीं दी जाती है। गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस ततो गतः। ये तो कलयुग के कृत्य है कि घर पे जाकर के पोती लेकर के, ग्रंथ लेकर के और जो है कथा सुनाने के लिए और विद्या अध्ययन कर लो, हमसे पढ़ लो। वो तो विद्या को बेचने वाले हैं, ये परम कर्तव्य नहीं है। जिसको अध्ययन करना है, जिसको पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो गुरुम अभिगच्छेत, गुरु के पास में जाए। कैसे जाए, कब जाए, कैसे गुरु के पास में जाए, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। गुरु जो है घर घर विद्या बांटते सिखाते न फिरे, न गए हैं और न जाना चाहिए। जो जाते हैं वे जो है शास्त्र के अनुसार गुरु कहलाने योग्य नहीं है। शिष्य को, अध्येता को प्रणाम करना चाहिए और गुरु के घर पर जाना चाहिए, आचार्य के घर पर जाना चाहिए। ये ही विधि है। तो ये जो इस तरीके से जो पतित लोग हैं, जो वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो गए हैं, उन लोगों को वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं है। ना तो उन्हें पढ़ाने का अधिकार है और ना ही उनसे किसी भी प्रकार का याजन कराने का अधिकार है। जैसे कि अभी आपने पूछा था कि क्या वे लोग हमको पढ़ाते हैं, सनातनी है, मैं वहां पढ़ने जाऊं, तो ऐसा है कि उनको भी नहीं पढ़ाना चाहिए। यदि वे किसी लोभवश कोई भी व्यक्ति अनधिकारियों को अध्ययन कराता है या उनसे हवन आदि यजन कराता है, याजन कराता है, पूजन पाठ हवन कराता है, यज्ञ कराता है, तो क्या स्थिति होती है? देखिए, भगवान पाराशर जी ने अपनी पराशर स्मृति में लिखा हुआ है 13वें अध्याय के 36वें श्लोक में कि दक्षिणार्थे तु यो विप्र शूद्रस्य जुहयाद्धभिः ब्राह्मणस्तु भवेत् शूद्र शूद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत्। जो लोग दक्षिणा के लोभ से, कर्ण लोभ है ना, जो ब्राह्मण विप्र शूद्रस्य जुहयाद्धभिः, शूद्रस्य हविः जुहयात्, शूद्र से हवन कराते हैं, ते ब्राह्मणस्तु भवेत् शूद्र, वो ब्राह्मण शूद्र भवेत्। वो जो है चतुर्थ आश्रमी हो जाता है, पतित हो जाता है और शूद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत्, और वो व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है अगले जन्म में, तत्काल नहीं। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत अब जो है ब्राह्मण हो गया, वो शूद्र हो गया, अगले जन्म की बात है। प्रेत्य मर करके
अगले जन्म में ये होगा कि भाई अब तुम्हें जो है इनसे प्रेम है तो तुम ये हो जाओ, और तुम्हें जो है ऐसे में रह करके भी ये किया तो तुम ये बन जाओ। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम तो पैसा दे दे तो अगले जन्म हमारे लिए, ये प्रतिपादन ये पराशर जी नहीं करना चाहते हैं कि शूद्र लोगों को तो फायदा हो गया कि अगले जन्म में ब्राह्मण बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये अर्थवाद वाक्य है, दोनों ही जो है अपनी स्थिति से गिर गए और दोनों ही गिरेंगे, ये समझना है। इससे ऋषियों की ये वाणी है कि वो जो है ये इसमें केवल जो ब्राह्मणों को समझाया जा रहा है उनको नहीं कहा जा रहा है कि तुम लोग दक्षिणा के कारण ऐसा करोगे तो पतित हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि वो बन जाएंगे तो उनके लिए बात नहीं कही नहीं जा रही है, नहीं तो वो समझे कि हमारे तो फायदा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। इस दृष्टि से ये विदेश में रहने वाले लोग और भ्रष्ट लोग या वर्णाश्रम धर्म से विहीन वर्ण संकर लोग ये वैदिक यज्ञ करने के अनधिकारी शास्त्रों में बताए गए हैं। तो भाई फिर इनका कल्याण कैसे हो, किस प्रकार इनका कल्याण हो, इस दृष्टि से धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने, अन्य आचार्यों ने, सदग्रंथों ने मार्ग बतलाया है कि ये लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। जितना भी हो भगवान नाम संकीर्तन करें, नाम जप करें, भगवान के चरित्रों को लीलाओं को गान करें, सनातन धर्म का जितना हो सके जहां उनके लिए जितना विधान है वो उसका परिपालन करें तो उनकी सदगति निश्चित है। ये लोग भी चाहें तो हिंदू बन सकते हैं, और भी मिलेक्ष आदि हैं वो भी हिंदू बन सकते हैं, परंतु वे हमारे यहाँ एक अलग नाम से जाने जाएं। ऐसा नहीं है कि आजकल कुछ राजनेता लोग उनसे वैदिक गायत्री मंत्र से हवन करा करके गायत्री मंत्र की दीक्षा इत्यादि दिला करके उन्हें ब्राह्मण बना दे रहे हैं। ये सर्वथा कुकृत्य है, अनर्थ का हेतु है, ये ऐसा नहीं करना है। उनका वर्ग अलग रहे, उनकी रोटी बेटी का संबंध उनकी जाति में रहे, हाँ वो हमारे त्योहार इत्यादि मनावें, हमारे रामकृष्ण आदि का सेवन करें, नाम का जप करें और हिंदू धर्म का परिपालन करें, परंतु रोटी बेटी का संबंध ऐसे लोग जो भी एकत्रित हुए हैं वो अपने अलग अलग अपना अपनी जाति में ही रखें, इसमें घोल मेल न करें। ऐसा धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज जी ने उनके परम कल्याण के लिए उन्हें भक्ति का अधिकारी बतलाते हुए नाम मंत्र आदि में, नाम जप करने में अधिकृत किया है। हर हर महादेव।